से बड़ी खबर है, सेवद गांव के पास बड़ा हादसा हुआ है। बस पलटने से यह हादसा हुआ, 3 की मौत हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो कि घायल हो चुके हैं। तो बस पलटने से यह बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें भी अब आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये मामूली घटना नहीं बल्कि बड़ी घटना है, 3 लोगों की जान जा चुकी है। सीकर के पास सेवद एक इलाका है, सेवद गांव है, और उसके पास ये बड़ी घटना, बस के पलट जाने से ये हादसा। और जाहिर सी बात है, 3 लोगों की जब मौत हुई है तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर किया गया है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ रमेश इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रमेश, अपडेट कीजिए खबर को। बिल्कुल रीमा, बताना चाहूंगा, करीबन 2:30 बजे ये हादसा हुआ था। एक प्राइवेट कार और एक लोक परिवहन बस के बीच आमने सामने ये भिड़ंत हुई है, सीकर जिले के सेवद गांव में, और वहां 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हुई है। 7 घायलों को है वो कल्याण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अभी घायलों का आने का जो सिलसिला है वो भी जारी है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है रीमा, और 2 घायलों को गंभीर हालत में जयपुर के लिए रेफर किया गया है रीमा। इस बीच इनके बारे में पता चल पा रहा है ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल रीमा, बताना चाहूंगा कि 2 मृतकों की पहचान हो चुकी है जो सीकर जिले के सूटोट गांव के रहने वाले हैं। बाकी 1 महिला है जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, और बाकी अभी घायलों का आना जारी है रीमा, और हादसा कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा है। चूंकि बस पलटने की बात सामने आ रही है तो 3 लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन आपने भी बताया कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जख्मी है, आंकड़ा पता चल पा रहा है अभी तक? रीमा, ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी तक भी एम्बुलेंसों का आना जारी है और अभी भी घायल इसके अस्पताल में लाए जा रहे हैं, तो अभी वहाँ पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी पहुंचे हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है रीमा, ये कहना जल्दबाजी होगा कि मौत कितनी होगी, पर 3 डेड बॉडी सीकर में आ चुकी है रीमा। किसकी लापरवाही है ये कुछ पता चल पा रहा है? प्राथमिक तौर पे ये कह सकता है कि लोक परिवहन काफी स्पीड पे था, जैसे कि गांव वालों ने बताया कि बस काफी स्पीड पे थी और अनियंत्रित होकर के और सामने आ रही है कार। अच्छा, कार की हम तस्वीर दरअसल दिखा रहे हैं, उस कार के पर कच्चे उड़े हुए हैं, पार्ट पार्ट उसका जर्जर हो चुका है। तो इस बीच ये आप बता पाएंगे कि उसमें जो सवार लोग थे उनकी हालत कैसी है? उनकी स्थिति रीमा काफी गंभीर बनी हुई है, कार में सवार 2 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है जिनकी स्थिति काफी गंभीर है, और मृतकों में अभी 1 महिला की पहचान नहीं हुई है, अभी भी घायलों को आने का सिलसिला जारी है रीमा। चलिए, फिलहाल शुक्रिया। तीन लोगों की मौत और कई घायल, बड़ी घटना है ये, और ऐसा नहीं है कि ये आंकड़ा नहीं बढ़ सकता है। जिस तरीके से ये घटना है उसको देखकर यही कहा जा रहा है कि शायद और भी ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हैं, उनकी हालत और बिगड़ सकती है।